ट्विन फ्लेम्स का ना सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, इनको ना अलग अलग टाइप के ड्रीम्स आते हैं जो इनको डिकोड करने होते हैं। तो हाँ, तो मैंने मैंने देखा है किसी भी, जो कई बार ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसको डिकोड करना मतलब इम्पॉसिबल चीज़ कभी कभी लगती है, बट उसके लिए जो है सर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत बोर हो गई हूँ कि अभी मेरा मन ही नहीं करता कि मैं किसी और के वीडियोस देखूँ और लंबे लंबे वीडियोस देखूँ और फिर कुछ जानकारी मुझे मिल पाए। बट इस मामले में ना मैंने देखा है सर्च बहुत ज़रूरी है और आपको नॉलेज के लिए सर्च करना बहुत ज़रूरी पड़ता है कभी कभी, क्योंकि जो जो भी है, एंजल्स है, भगवान है, हमारे एंसेस्टर है, वो ड्रीम के थ्रू कुछ मैसेज देते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, बट हम समझ नहीं पाते, हम बहुत सर्च कर लेते हैं। तो मैं ऐसे में मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो हूँ अब थक गई हूँ, तो आप ही मुझे मीनिंग बताओ इसका क्या है। तो मैं क्या करती हूँ ऐसे में, तो करती नहीं हूँ, ये ऑटोमेटिक हुआ है। मैंने देखा कि जो यंग बच्चे होते हैं ना, अभी देखो यहाँ पे मैं कोई भी ठप्पा नहीं लगाना चाहती कि यंग एज में अवेकनिंग होती है या नहीं होती है, बट मुझे थोड़ा सा हमेशा डाउट रहता है कि हाँ ये ज़रूर डिवाइन फेमिनाइन है, बट जो हो सकता है कि बट ये किसी फॉल्स ट्विन के साथ हो, जो इसका जो है रियल ट्विन फ्लेम शायद ना हो, ऐसा डाउट मेरे मन में रहता है। तो मैं गलत भी हो सकती हूँ तो सही भी हो सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी पर मतलब अपना थोपू ना, अपना जो वोट है ना उसके ऊपर ना थोपू कि नहीं तेरी अवेकनिंग हो ही नहीं सकती। तो ऐसा मैं कभी बोलना नहीं चाहती, बट मेरा एक्सपीरियंस बैड रहा है, इसीलिए मैं उस टाइम पे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता था मुझे, लेकिन मुझे वो इंट्यूशन जो लेवल था मेरा बहुत ही हाई था, और मुझे अंदर से इंट्यूशन हुआ कि ये जो है ये मैटर कुछ अलग है। बट वो भी क्या मैटर है पूरा ये अब मुझे समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहती यंग जनरेशन को कि वो जो है कम एज में जो है ट्विन जर्नी की तरफ आकर्षित हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी एज के लोग भी जो है ट्विन जर्नी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये तो बच्चे हैं, ये पागलपन में कुछ और ही ज़्यादा पागल ना हो जाए। तो देखो ऐसा, तो आपको फिर यंग आजकल का जो संस्कार है वो भी कुछ अलग हो रहा है, जैसे जरूर बहुत ही ज़रूरी है बॉयफ्रेंड होना, कुछ इस टाइप के संस्कार हो रहे हैं अब। मुझे थोड़ी सी मदद मिली है एक डिवाइन फेमिनाइन से। मैं बहुत ज़्यादा तो उनके चैनल्स नहीं देखती, क्योंकि थोड़े से मतलब 20 मिनट के वगैरह होते हैं उनके वीडियो, और जनरली अलग कोई कोई अलग सब्जेक्ट दिखे तो ही मैं देखती हूँ, कि मुझे अगर लगे कि बाबा ये सब्जेक्ट जो है मेरे काम आ सकता है, तो ऐसा अगर टाइटल दिखे तो मैं वो वीडियो देखती हूँ। तो पहले भी उनका एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में बताया था, तो उन्होंने उसमें बताया था कि जो डीएम होता है वो जो है आपके कजिन के रूप में आपके ड्रीम में आता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि जब मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी तब मुझे बताया गया था कि बाबा ऐसा ऐसा कुछ होगा, तुम्हारी बदनामी होगी एक इंसान की वजह से, और जो है तुम्हारा हस्बैंड जैसे तुमको झटक देगा, मतलब छोड़ देगा, वो तो वैसे भी छोड़ा हुआ था, और बट उसमें दिखाया गया वैसा। और मतलब कुछ ऐसे स्टोरी, कुछ ऐसा क्या कह सकते हैं ड्रामा मुझे उसमें दिखाया गया था कि मैं किसी के साथ हूँ, मतलब लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसा भी उसमें दिखाया गया था। तो और उसका वो मतलब होता है, हम क्या सोचते हैं कि ड्रीम में ऐसा दिखाया है तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता। तो मैं और जो मुझे खास करके दिखाए जाते थे मेरे बुआ के लड़के, जो मेरे एज में जो है मुझसे कम थे और मेरे भाई जैसे थे, तो मैंने तो सोचा था कि आज तक मेरे बुआ के लड़कों से जो है मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, मतलब खास करके जो मेरी छोटी बुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी मुझसे जो है एज में छोटे हैं।
तो मैं भी थोड़े पजल में पड़ गई कि ये एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। तो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर स्टार्टिंग में ऐसे ड्रीम आते हैं आपको, कुछ किसी के साथ बदनामी होते हुए आपको दिखाई देता है कोई, तो वो बुआ के लड़के नहीं होते हैं, वो डीएम होता है। मतलब यूनिवर्स आपको इशारा देता है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होने वाली है और जो है आपकी बदनामी होगी। तो ये तो मैं बहुत दिनों तक मैं उस ड्रीम को जो है समझ ही नहीं पाई। और जब मैंने ट्रिपल फाइव शक्ति जो भी उनका नाम है उनका वीडियो देखा, और तब मुझे समझ में, अच्छा तो ये मतलब है। तब तक मुझे दो ड्रीम आ चुके थे। तो एक बार मुझे बुआ का ये छोटा लड़का दिखा था स्टार्टिंग में, जब मेरी अवेकनिंग भी नहीं हुई थी, और अवेकनिंग के बाद जो है बुआ का बड़ा लड़का दिखा था। तो आपको डीएम की जगह पे वो दिखाए जाते हैं, तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये क्यों दिख रहे हैं। उससे भी बढ़कर आई थिंक 2-3 दिन पहले उन्होंने और एक वीडियो बनाया, और उसका टाइटल भी कुछ ऐसा ही लिखा, तो मैंने देखा वो वीडियो, तो मुझे पूरा क्लैरिफिकेशन हो गया कि कब कब जो है कौन दिखता है तो कौन समझना चाहिए। उसमें उसने बताया कि आपके जो सोलमेट्स होते हैं, मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत प्यार करते थे बट आपने जो है उनको रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे इंसान भी जो है डीएम के रूप में दिखते हैं आपको। तो मुझे भी दिखा, तो मैंने समझा ये थोड़े मेरे लाइफ में अब रिटर्न होने वाला है, इसकी तो मतलब शादी बच्चे सब कुछ हो चुके हैं, ये क्यों मेरी तरफ मुड़ के देखेगा। तो ये भी एक सवाल ही मेरे दिमाग में था, बट मैं सोचती रह गई कि यार हाँ दिस पर्सन लव्स मी, वो जो है मुझे काफ़ी पसंद करते थे, बट मैं जो हूँ मैंने उनकी तरफ वो नज़र से कभी देखा नहीं। तो मेरे लिए उनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी, मैं उनको बहुत पसंद करती थी एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, एक फादर फिगर की तरह जो है मुझे वो बहुत पसंद थे। बट कैसे एक जैसे होता है ना कोई जिम्मेदार अपना सा लगता है, उस टाइप का मैं ज़रूर सोचती थी, क्योंकि वो जो है सीनियर थे, तो मैं उन तो हो ही नहीं सकता था कि मैं जो हूँ उनके लिए रोमांटिक टाइप का कुछ सोचूं, तो इसीलिए जो है वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो मैं फिर से पजल में पड़ गई कि ये जो है क्यों दिख रहे हैं। तो उसने मुझे बताया, मतलब मुझे नहीं उस वीडियो में बताया कि ये जो है डीएम ही जो है ऐसे रूप में आपको दिखता है। यहाँ पे एक्चुअल मेरी और एक पजल है ड्रीम डिकोड करने हैं मुझे, लेकिन मैं सचमुच थक गई हूँ, मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है अभी कि मैं और वीडियोस को झेल सकूँ, कि 2 साल तक मैं वीडियो देख 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 कर मेरा दिमाग जो है ऑलरेडी थक गया है। तो मैंने उसमें देखा कि एक सोल सिस्टर जो होती है, मतलब आपको दिखा, क्योंकि मैं प्रार्थना करती थी कि जब मैंने मुझे पता चला कि मैं एक इंडिगो चाइल्ड हूँ, इसी वजह से जो है बचपन से मेरे जीवन में जो है काफ़ी अकेलापन है, किसी भी इंसान से जो है मैं कनेक्ट नहीं कर पाती, मेरी दोस्ती नहीं हो पाती, तो कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं किसी को पसंद नहीं करती। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि भगवान अगर ये मैं इस दुनिया से नहीं हूँ तो मेरी दुनिया के जो भी लोग हैं उनसे मुझे मिलाओ और मेरा जो है अकेलापन दूर करो, जो भी मेरी सोल सिस्टर्स होगी, सोल ब्रदर होगी, जो मेरे प्लैनेट, अभी प्लैनेट कहो कुछ भी कहो, मेरी दुनिया से आई है, ऐसे लोगों से जो है मुझे मिलाओ, मेरे कहाँ है मेरे वो सारे भाई बहन जो मेरे साथ आए हैं, तो आप मुझे उनसे मिलाओ, और मैं ना अकेलेपन से जो है बोर हो गई हूँ और मुझे उन लोगों से सपोर्ट चाहिए क्योंकि वो जो है मेरी दुनिया से है। और तो मैं ऐसा सोचती थी, और तो मुझे कुछ दिखाई देते थे, कुछ सिस्टर्स दिखाई देती थी जो जो कि मतलब, पर मैं सोचती थी वो कहाँ मुझे मिलेंगी। तो ये भी एक मेरे लिए पजल ही है कि कहाँ मिलेंगी वो सिस्टर्स। तो इसीलिए मैं जो हूँ देखती नहीं हूँ बहुत सारे वीडियोस, मैं जो हूँ ज़्यादातर जो हूँ डिवाइन सोल पर्पस, तंत्र लव हर्षिका के वीडियोस देखती हूँ, ट्रिपल फाइव एंजेलिक गाइडेंस उनके भी वीडियो देखती हूँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके वीडियो बहुत अच्छे थे। अभी वो उन्होंने नए तरीके से स्टार्ट किया है, अभी लाइन पे आ रही गाड़ी, धीरे धीरे अच्छे और वीडियो आएंगे उनके भी।
आई थिंक मेरा प्लेलिस्ट है ना, आपको अगर प्लेलिस्ट देखना है, पुराने वीडियोस देखना है, तो क्या करना चाहिए, जो सिंबल मतलब फोटो होती है ना मेरे यूट्यूब की, उसके ऊपर आप टच करोगे ना तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाता है। तो अलग अलग काउंटर पे आप जाके देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि मैंने किन किन चैनल्स को जो है सब्सक्राइब करके रखा है। तो ये जो कम एज की लड़कियां हैं, भले ही वो मतलब ज़्यादा इम्प्रेस करना ना जानती हो, लेकिन वो नॉलेज बहुत रखती है। मतलब इनका कैसे होता है कि यंग होता है, इंटरेस्ट इनको बहुत होता है, आंखें अच्छी होती है, दिमाग अच्छा होता है। हम जो है अभी थक गए, बुढ़े हो गए, लेकिन ये बड़े शार्प होते हैं और फटाफट इनका दिमाग चलता है। वो सब तरीके से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, और इनकी याददाश्त भी अच्छी रहती है, तो इनको फटाफट याद रहता है सब कुछ, और बड़े अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो है इनके वीडियोस कभी कभी देख लेनी चाहिए, इसलिए जो है मैंने इनको सब्सक्राइब करके रखा है। मेरा एक्चुअल आज का सवाल है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं पूछूँ किससे। देखो, मैं जैसे मेरी ट्विन जर्नी स्टार्ट हुई ना, मेरी अवेकनिंग हुई, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा मैं भूलने लगी, अपने जो कार्मिक थे उनको भूलने लगी, और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता था कि उनको कुछ हो गया, ऐसा मुझे दिखता था। मतलब जैसे उनका एक्सीडेंट हुआ हो, या वो मर गए हो, या वो एडमिट हो हॉस्पिटल में, और जैसे बहुत सीरियस हो, तो मैं मतलब मुझे ऐसा कुछ हो जाता था कि नहीं नहीं मुझे ये ट्विन जर्नी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो है मेरा कार्मिक ही चाहिए, और मैं उसके लिए तो मैं मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन मुझे जो है वही चाहिए, ऐसा मैं सोचती थी। और तो ये ड्रीम जो है बार 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 आने लगे, तो वो जो होता है ना, एक झटका लगता है तो इंसान को तकलीफ होती है, दूसरा होता है तो लगते है, तो बार बार होने से आदत हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है। तो मैं अभी मतलब मैं यार कितना डरूं, मैं डर डर के मर रही हूँ। तो मैं जो होती अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती थी, कहीं उसको कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं उसको कोरोना तो नहीं हो गया तो ऐसे मैं पूछती थी, और बहुत डर जाती थी ऐसे ड्रीम्स देखकर। तो जब उसके परिणाम ख़त्म होने लगे, तो मैंने क्या किया कि मैं जब सोमवार और प्रदोष की पूजा करती थी महादेव की, तो मैं बोलती थी महादेव की, महादेव मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं जो हूँ कि ये जो कार्मिक है ये तो मेरा हस्बैंड है, मुझे तो गुरुचरित्र के हिसाब से ना यही मेरा सब कुछ है, तो लेकिन ट्विन जर्नी कहती है कि कोई और है आपका, ये आपका है नहीं। तो मुझे पजल मेरे दिमाग में जो है क्वेश्चन मार्क है कि मैं कौन है, मतलब कौन मेरा अपना है। तो आप ही जो भी मेरा अपना हो उसकी आप रक्षा करो, ऐसे मैं प्रार्थना करती थी, और जो भी गलत है उस कनेक्शन को मेरे जीवन से जो है हटा दो, ऐसा मैं महादेव से प्रार्थना करती थी, और आज भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि ट्विन जर्नी, अरे यार 35 साल बाद आपको पता चल रहा है आप ट्विन फ्लेम हो, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, और ड्रीम्स भी ऐसे ऐसे आपको ड्रीम में कन्फ्यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज किया जाता है, तो उसको समझना जो है बहुत ही मुश्किल होता है, उसको डिकोड करना। और तो मैं सीधा सीधा ऐसे टाइम पे भगवान के सामने सरेंडर करती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि आप ही इस पजल को सॉल्व करो कि ये है क्या, ये है क्या, क्या कोई बुरी शक्ति मुझे मिसगाइड कर रही है, क्या ट्विन जर्नी भी एक मिसगाइड ही है, मतलब कुछ मिसगाइड किया गया है बुरी शक्तियों ने, और मुझे बोला है कि तुम ट्विन फ्लेम हो। तो मैं बहुत मतलब मंथन होता है मेरे दिमाग में, तो इस टाइम पे जो है मैं ईश्वर को सरेंडर करती हूँ। कुछ ऐसे ड्रीम्स मुझे आ रहे हैं अपने कार्मिक के लिए, मतलब मैं जो हूँ अभी मेरे अपने कार्मिक को जो है दिमाग से मैंने पूरी तरह से निकाल के फेंक दिया है, और मैं सिर्फ कार्मिक नहीं, मैंने अब दिमाग से सबको ही निकाल के फेंक दिया है, किसी को भी मेरे मतलब दिमाग में रहने का अब अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है यार बहुत हो गया, मतलब बहुत हो गया जो मतलब मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस अगर डिवाइन फेमिनाइन को कहीं से मिलता है ना, वो ईश्वर से ही मिलता है, तो उनको अगर किसी से शक्ति मिलती है
तो वो ईश्वर से ही मिलती है। तो अभी जो है सिर्फ ईश्वर को सरेंडर करना है, हाथ पैर थक चुके हैं तो इसीलिए जो है अब सिर्फ ईश्वर का नाम लेना है, किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है। रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना है लाइफ में, ऐसा मैंने सोच लिया। फिर भी जो मुझे पता है कि भगवान जो है मुझे धक्के दे दे के कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगा युद्ध करने के लिए। तो ड्रीम बताती हूँ, मेरा सवाल ये है कि मैं अपने कार्मिक जो हूँ उसको मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ ड्रीम्स ऐसे आते हैं कि जिस ड्रीम्स में मुझे ऐसा दिखाया जाता है कि मैं अभी भी उसमें इंटरेस्टेड हूँ, अभी भी जो हूँ मैं उसका पीछा कर रही हूँ, वो भाग रहा है और मैं पीछा कर रही हूँ, या मैं उसके घर में हूँ और तो वो जो है मुझे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा है, ऐसा ऐसा उसमें दिखाया जाता है। और मैं जो हूँ उसको बोल रही हूँ नहीं नहीं अभी है ना, ये गलती मैं नहीं करूँगी। तो बॉसिंग नेचर वो मुझे दिखाने की कोशिश करता था, जो मतलब मैं थी नहीं, मैं खुद बॉस थी। तो मुझे किसी के इशारों पे जो है नाचना कबूल नहीं था और मैं उसको नचाने की कोशिश करती थी, और वो जो है वो समझता था कि ये जो है मैं मतलब वो लोअर फील करता था मेरे सामने, और वो मुझे ऐसा फील कराने की कोशिश करता था कि तुम जो है एक बच्ची हो और मैं जो हूँ मैं बड़ा हूँ। तो मेरा ऐसा एटीट्यूड रहता था, चल हट। तो मैं मतलब वो खुले मतलब मैं ऐसे डर डर के जीना पसंद नहीं करती थी, वो जो था इतना डरपोक था, और मैं जो थी बिल्कुल मतलब किसी भी चीज़ से जो है डरती नहीं थी। तो हमारे तो ड्रीम में मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि ठीक है मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी। तो ड्रीम में मुझे ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे मैं ना अभी भी जो है अपनी कार्मिक से बहुत प्यार करती हूँ और मैं जो हूँ उसके सिवा जी नहीं सकती। तो ड्रीम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तो ऐसे कई ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें मुझे फिर से वो जो है दिखाई दे रहा है कि मैं जो हूँ सिर्फ कार्मिक से ही प्यार करती हूँ। और इसका क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में जो है अब जो है मैं बहुत डरती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि किस तरह से जो है इन लोगों ने मुझे फंसाया, धोखा दिया, मेरे जीवन को बर्बाद किया, किस तरह से मुझे बदनाम किया, किस तरह से जो है हर एक खुशी मेरी लाइफ से छीन ली। और मेरे अपने गांव में भी जो है मेरे लिए इतनी सारी गलत फहमियाँ पैदा कर दी कि लोगों ने जो है मेरा जीना हराम कर रखा था। तो मैं इस तरह तो मैं मतलब सोचती हूँ कि यार अपन जो है बहुत भोले हैं, भोलेपन में जो है अपन मतलब मैं कुछ भी बोल देती हूँ मेरे पेट में बात नहीं रहती, और वो बराबर जो है उस बात को पकड़ के आपको बदनाम करते हैं। कुछ होता भी नहीं है, देखो ट्विन जर्नी में भी कुछ भी नहीं हुआ, बट ऐसे मतलब दोस्त जैसे हम थे, जो हम जो थे बहुत टाइम एक दूसरे से बात करते थे फोन पे, तो वो एक आदत हो गई थी कि जो भी मन में आए हैं उसको जाके बताना है। तो एक हिप्नोटाइज जैसा होता है ना कि जो भी मन में आया उसको बताना है, क्योंकि दूसरा कोई दोस्त है नहीं, और अभी वो दुश्मन बन गया है लेकिन फिर भी जो है आदत नहीं गई, जो जाके जो है सीक्रेट्स जो जाके है मैं अभी भी जो है मैं चिढ़ाने के लिए उसको बताती हूँ, बट वो जो है उस चीज़ का बराबर फायदा लेता है। तो डिवाइन फेमिनाइन सचमुच भोली होती है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि बाबा तुम्हारे छोटी छोटी हरकतों से ना लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, तो हरकतें बंद करो। वो भी मैं क्या करती हूँ, उसकी भाभी, एक उसकी भाभी को मैं आइडिया देती हूँ कि देखो देखो सारे ट्विन फ्लेम्स के जो है वीडियो मैंने उनको सेंड कर डाले, और चिढ़ाने के लिए मतलब मेरे हस्बैंड को चिढ़ाने के लिए जो है मैं ऐसे ऐसे सॉन्ग उनको भेजती हूँ, क्योंकि उसने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है, तो उसकी भाभी को मैं भेजती हूँ। तो मुझे पूरा पता है कि इतने डेंजरस लोग हैं, और फिर भी जो है मेरी आदत जो है नटखट आदत जो है वो जाती नहीं है, और मैं जो हूँ खुद ही अपना हाथ जो हूँ पिंजरे में दे देती हूँ कि लो मुझे काटो। तो इस ड्रीम्स का क्या मतलब है, अगर आपको आपको मैं नहीं कहती आगे जाके खुद
कोई ऐसा इंसान है जिसने भी ऐसे सेम एक्सपीरियंस लिए है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या मतलब है। थैंक्स।